Audio Jungle. नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आज की मुख्य बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व एमएलसी मुलायम सिंह यादव का निधन। उत्तर प्रदेश के ओरिया में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता रहे पूर्व एमएलसी मुलायम सिंह यादव का शनिवार रात 9 बजे निधन हो गया। 92 वर्षीय मुलायम ने पैतृक गाँव का पूर्वा में अंतिम सांस ली। वह 3 बार स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य हुआ। इससे पूर्व 2 बार ओरिया के विकास खंड भाग्य नगर के ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं। झारखंड में आज यानी 5 अक्टूबर को सरकारी छुट्टी, सभी कार्यालय बंद रहेंगे। झारखंड में आज यानी 5 अक्टूबर को सरकारी छुट्टी घोषित किया गया है। राज्यपाल के आदेश के तहत कार्मिक विभाग ने इसके लिए अधिसूचना जारी की है। इस दौरान झारखंड सरकार के अधीन सभी कार्यालय बंद रहेंगे। मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन पर राज्य सरकार ने 2 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान सरकारी कार्यालय पर राष्ट्रध्वज आधा झुका रहेगा। इसके साथ ही सोमवार को तमाम सरकारी कार्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए इन 5 वजहों में दुमका उपचुनाव अहम रहेगा। झारखंड विधानसभा का दुमका उपचुनाव सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए 5 वजहों से अहम माना जा रहा है। झामुमो सत्ता में है और दुमका विधानसभा सीट पर दमदार मौजूदगी सुनिश्चित करना जरूरी है। इस राजनीतिक उद्देश्य से ही जुड़ा लक्ष्य अगली पीढ़ी को राजनीतिक विरासत सौंपना भी है। यही कारण है कि संताल परगना के केंद्र और झारखंड की उपराजधानी दुमका के उपचुनाव में झामुमो ने पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के छोटे बेटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। हाथरस की घटना के खिलाफ सोमवार को झारखंड में कांग्रेस ही करेगी सत्याग्रह। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती के साथ हुआ घटना और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी व प्रियंका गांधी के साथ हुए दुर्व्यवहार के खिलाफ कांग्रेस सोमवार को राज्य भर में सत्याग्रह करेगी। राज्य और सभी जिला मुख्यालयों में महात्मा गांधी या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सत्याग्रह करेंगे। राजधानी में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्य सरकार के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में धरना होगा। इसको लेकर कांग्रेस नेताओं ने रविवार को बैठक की और सत्याग्रह की रणनीति बनाई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बताया कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में कोई घटना से देश भर के लोगों को पीड़ा है। देश की बेटी को जीवन और मृत्यु दोनों में न्याय और गरिमा से वंचित कर दिया। लोगों को पीड़ित परिवारों से मिलने से रोका जा रहा है। कांग्रेस भवन में सत्याग्रह की तैयारी को लेकर रणनीति बनी। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पार्टी के वरिष्ठ सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से इसमें शामिल होने की अपील की गई है। झारखंड के गुमला में नाबालिग ने चलाई गोली, 1 घायल, 1 सिक्सर, 2 खोखा और 3 कारतूस बरामद किए गए। गुमला थाना के फसिया सविला टोंगरी में रविवार को एक नाबालिग ने बाल गोविंद बढ़ई नामक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया। गोली चला दी लेकिन गोली सीना को छिलते हुए पार हो गई। पुलिस ने गोली चलाकर हत्या करने की कोशिश करने वाले नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से 1 सिक्सर, 2 खोखा और 3 कारतूस बरामद किया गया। पुलिस हमला करने वाले नाबालिग से पूछताछ कर रही है। इस बीच सदर अस्पताल में इलाज के दौरान घायल बाल गोविंद बढ़ई ने बताया कि वह टोंगरी के समीप धाम मिसने के लिए तैयारी कर रहा था। वर्षा होने के कारण एक कमरे में बच रहा था, तभी मोटरसाइकिल पर सवार होकर वह नाबालिग सीधे आया और रिवाल्वर तान दी। वह गोली चला पाता उससे पहले वह बढ़ई बचने के लिए उससे बालक से उलझ गया। घायल के अनुसार हमलावर पूर्व मुखिया राजन बढ़ई का भेगना है। घायल के अनुसार यह मुखिया का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। उसे आशंका है कि पूर्व मुखिया ने रास्ते से हटाने के लिए यह हमला कराया होगा। झारखंड में बिजली विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मच गया, 40,000 तक लगाया जुर्माना। पलामू जिला के हैदरनगर थाना क्षेत्र में बिजली विभाग की कार्रवाई से बिजली चोरी करने वाले में हड़कंप मच गया। विभाग ने न केवल अवैध रूप से बिजली जला रहे लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई बल्कि उन पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया। बिजली विभाग के अभियंताओं ने यह कार्रवाई रविवार को की। विभाग के अधिकारियों ने 11 लोगों पर स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुए उन लोगों पर 5,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया। छापामारी अभियान चलाकर बिजली विभाग के अभियंताओं ने 11 लोगों को चोरी की बिजली जलाते पकड़ा और उनके खिलाफ कार्रवाई की। सभी 11 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। एनटीपीसी के कोयला भंडार में लगी आग। झारखंड के हजारीबाग जिला के बरका गांव में स्थित एनटीपीसी के कोयला भंडार में आग लग गई है। हालांकि अभी यह आग नजदीक के गांवों या पास आसपास के कॉलोनियों तक नहीं पहुंची है। इस खनन क्षेत्र के आसपास के कॉलोनियों और ग्रामीण
इलाकों के साथ संबंधित कंपनी का कहना है कि यह आम लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। जगह जगह धुआं उठ रहा है, अगर जल्द ही कोयले को नहीं हटाया गया तो आग विकराल रूप धारण कर लेगा और फिर उस पर काबू पाना लगभग असंभव हो जाएगा। दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली और छठ के लिए SER ने रेलवे बोर्ड को भेजा 41 स्पेशल ट्रेन चलाने का प्रस्ताव। झारखंड को वहां पर मिला है मात्र 20 ट्रेनें। दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली और छठ जैसे त्योहारों को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने रेलवे बोर्ड को 41 मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का प्रस्ताव भेजा है। इन 41 ट्रेनों की सूची में झारखंड के 3 स्टेशनों से खुलने वाली कुल 20 ट्रेन शामिल है। 15 साल 9 माह रह चुके मधुपुर विधायक मंत्री हाजी हुसैन का निधन हो गया। एक दिन पहले ही हराया था कोरोना को। 2 दिन का राजकीय शोक रखा गया है। झारखंड राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 23 सितंबर को सांस लेने की तकलीफ में उन्हें मेदंता में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उनकी कोरोना पॉजिटिव आई थी। शनिवार की शाम उनकी हृदय गति रुकने से मौत हो गई। इस लेकर राज्य सरकार ने 2 दिन के शोक राजकीय शोक की घोषणा की है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र होने के कारण झारखंड में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने बताया कि झारखंड की राजधानी रांची समेत आसपास के इलाके में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। झारखंड के अगले 3 दिनों तक बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड के PTS लाभुकों के लिए भेज दी एक्सपायर्ड चीनी। सरकार के द्वारा जरूरतमंद राशन कार्ड धारियों को उपलब्ध कराई जाने वाली चीनी एक्सपायर्ड होने के बावजूद भी जिले को सप्लाई कर देने का मामला प्रकाश में आया है। मामला संज्ञान में आने के बाद चीनी लदे ट्रक को सप्लाई करने वाली कंपनी को बेरंग वापस कर दिया गया है। मामला शनिवार देर शाम चंदवार प्रखंड में स्थित SCI के गोदाम में चीनी अनलोडिंग के क्रम में सामने आया। सामग्री सप्लाई को लेकर राज्य स्तर पर टेंडर लेने वाली छत्तीसगढ़ की कंपनी की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है। अगर यह चीनी लाभुकों के बीच वितरित हो जाती तो परेशानी खड़ी हो सकती थी। वायुसेना दिवस की परेड में शामिल होगा राफेल। इस साल वायुसेना 88वीं वर्षगांठ मनाएगी। गाजियाबाद में हिडन एयरबेस पर वार्षिक परेड में विभिन्न विमानों को प्रदर्शित किया जाएगा। वायुसेना के एक अधिकारी ने बताया कि 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस की परेड में दूसरे विमानों के साथ ही राफेल विमान भी हिस्सा लेगा। एक्ट्रेस मिष्टी मुखर्जी का निधन हो गया। बंगाली और हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस मिष्टी मुखर्जी का निधन हो गया है। शुक्रवार को किडनी फेलियर का निधन हो गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार शनिवार को कर दिया गया है। वहीं अचानक उनके निधन से उनके चाहने वाले सदमे में है। आपके खाते में क्यों नहीं आ रही है गैस सिलेंडर की सब्सिडी? क्या मोदी सरकार बंद कर दी है गैस सिलेंडर की सब्सिडी? देश में अब आम चर्चा हो रही है कि मोदी सरकार घरेलू गैस पर सब्सिडी को खत्म करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक मई 2020 से ही घरेलू LPG गैस पर मिलने वाली सब्सिडी बैंक खाते में नहीं आ रही है। इसको लेकर लोग लगातार बैंक खाते में भी चेक कर रहे हैं। इसको लेकर आपको बता देते हैं कि बैंक खातों में अब गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी क्यों नहीं आ रही है। दरअसल घरेलू गैस के दाम इतने कम हो गए हैं कि मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में भी ग्राहकों को सब्सिडी नहीं मिली है। हालांकि कुछ ग्राहकों को मात्र 27 रुपये सब्सिडी मिली है। सरकार द्वारा सब्सिडी में लगातार की गई कटौती से इस साल मई से ही सब्सिडी और बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत एक सी हो गई है। सरकार सब्सिडी के रूप में सब्सिडी और बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में अंतर को देती है। जब दोनों की कीमत लगभग एक ही है तो सब्सिडी शून्य हो गई है। प्याज के दामों में मिलेगा थोड़ी राहत। अफगानिस्तान से बाघा के रास्ते भारत पहुंच रहा है ट्रक। प्याज की बड़ी कीमतों के बीच भारतीय आयातकों ने पड़ोसी देश अफगानिस्तान से प्याज मंगवाना शुरू कर दिया है। गत दिवस अफगानी प्याज के 5 ट्रक अटारी सीमा पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर पहुंचे। भारत में इन दिनों प्याज 40 रुपये प्रति किलो से ऊपर बिक रहा है, जबकि अफगानिस्तान का प्याज काफी सस्ता है। शनिवार को पाकिस्तान के बाघा के रास्ते अफगानिस्तान से कुल 27 ट्रक भारत पहुंचे। इनमें 22 ट्रक ड्राई फ्रूट और प्याज के 5 ट्रक हैं। प्याज के 4 ट्रक अमृतसर के आयातकों को, जबकि 1 ट्रक दिल्ली के हैं। अफगानिस्तान से आने वाला प्याज 15 से 18 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मंगवाया जा रहा है। कल आएंगे रिजल्ट जेई एडवांस का। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान दिल्ली ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस के नतीजे कल यानी 5 अक्टूबर 2020 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित करेगा। रिजल्ट जारी होने के बाद जेई एडवांस 2020 की परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी जेई की वेबसाइट jeetv.ac.in पर अपने परीक्षा परिणाम देख सकेंगे।
झारखंड के संथाल आदिवासियों की शहद को राष्ट्रीय बाजार देगी, कहा अर्जुन मुंडा ने। पाकुड़ के संथाल आदिवासियों द्वारा उत्पादित शहद को अब केंद्र सरकार बेचेगी, इससे शहद को राष्ट्रीय बाजार मिलेगा और इसका लाभ शहद उत्पादक संथाल आदिवासियों को मिलेगा। केंद्रीय भारत जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने पाकुड़ बन हनी ब्रांड को लॉन्च करते हुए ये बातें कही। अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो सोना आप खरीद सकते हैं, क्योंकि यहां पर गिर रहा है सोने का भाव लगातार। यदि आप सोना खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छी खबर है। जी हां, कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में आर्थिक मंदी छाई है, इसका असर सोने की कीमत पर नजर आ रहा है। कमजोर व्यापार की वजह से लगातार सोने के दाम में बदलाव दिख रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो लगभग 5000 रुपये तक सोने के दाम कमजोर हो चुके हैं। कमजोर व्यापार की वजह से सोने के दाम में गिरावट। कपड़ा के कारोबारी से ठगी में शिक्षक पर लगा 21 लाख का जुर्माना। गोड्डा व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत ने कपड़ा कारोबारी से 15 लाख की ठगी करने वाले शिक्षक पर 21 लाख का जुर्माना व 6 माह कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माना की रकम चुकाने में विलम्ब करने पर 4 माह की अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान कोर्ट ने अपने फैसले में किया है। कोर्ट के इस फैसले से शहर में ठग गिरोह की कमर टूटी है। अदालत ने वादी सुनील कुमार के पक्ष में फैसला 15 लाख की ठगी करने वाले शहर के संत थॉमस स्कूल के शिक्षक 46 वर्षीय कुमार आनंद मोहन झा को 1 माह के अंदर क्षतिपूर्ति के तौर पर 21 लाख रुपए का भुगतान पक्षकार सुनील कुमार को करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही फैसले में यह भी कहा है कि फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपनी अपील करने के पूर्व उन्हें जुर्माना की रकम चुकाना होगा। रांची प्रकृति की गोद में बसा है, झरने के शहर के रूप में पहचान है रांची का। झारखंड की राजधानी रांची की पहचान झरने वाले शहर के रूप में रही है। इस शहर पर प्रकृति ने अपना सौंदर्य खुलकर लुटाया है। प्राकृतिक सुंदरता के दम पर रांची ने खूबसूरत पर्यटक स्थलों के रूप में देश विदेश के पर्यटन मानचित्र पर अपनी पुख्ता पहचान बनाई है। गोंडा हिल और रॉक गार्डन, मछली घर, बिरसा जैविक उद्यान, टैगोर हिल, मैकल्यूसिकीगंज और आदिवासी संग्रहालय के साथ साथ प्रकृति की बहुमूल्य देन झरनों के साथ यहां बेहतरीन पिकनिक स्थल है। पर्यटक छुट्टियां गुजारने हर वर्ष यहां आते हैं। गर्मियों के समय अपेक्षाकृत ठंडे मौसम के कारण एक समय यह बिहार की राजधानी हुआ करती थी। चंचुंदरी जलप्रपात, पतरातू घाटी, पलानी झरना देखने भी लोग पहुंचते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा आप किस क्षेत्र से हो, हम आपके क्षेत्र के समाचार को भी प्रस्तुत कर सकें। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।